ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पेचकस मार के इसको जो सील होती है इसकी ऐसे निकाला। देखो ये देखो भाई, ओ भाई साहब आवाज सुनो यार, सुबह सुबह आवाज। मेरे साथ ऐसा भी भाई स्कैम हो रखा है भाई। आपको भाई नई बाइक लेते वक्त चेक करनी चाहिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और राम राम भाई सभी को। तो भाई आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना भाई, वो अपनी हंटर के ऊपर होने वाला है। तो मतलब कि कई सारी वीडियो हंटर पे बना रहा हूँ, तो भाई जैसे जैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिले वैसे ऐसे बना रहा हूँ भाई। और ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो फटाफट चलते हैं ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग में बताएँगे कि इनसे जो आपको चेक करना चाहिए जब आप नई बाइक ले रहे हो। तो भाई फटाफट चलते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था अभी कि भाई थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको नई बाइक लेते वक्त चेक करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे। और मेरे साथ ऐसा भी भाई स्कैम हो रखा है भाई। मतलब कि बाइक ली हुए यार करीबन 2 साल हो रहे होंगे, मतलब अक्टूबर में आपकी 2 साल हो जाएंगे बाइक को अपने। और मेरे साथ ऐसा स्कैम हो गया कि भाई मुझे पता ही नहीं था। चलिए आपको फटाफट आगे दिखाते हैं और क्या चीज़ है वो। ओ भाई साहब आवाज़ सुनो यार, सुबह सुबह आवाज क्या ही लग रही है। ओ भाई क्या बात है यार। सो गाइस, फिलहाल अभी आ चुके हैं और भाई साहब पेड़ के नीचे क्या ही लग रही है भाई अपनी मॉन्स्टर, मजा ही आ जाता है देखते हुए। और सूर्य भगवान बहुत ही तेजी के साथ निकल रहे हैं और अब फटाफट से देरी नहीं करेंगे, बताते हैं क्या चीज़ है जो आपके साथ भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मेरे साथ तो हुआ है, मैं बता रहा हूँ फटाफट से। तो ये चेक करो गाइज, ये देखो कुछ दिख रहा है भाई, मतलब कि मोर्चा तो दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पेचकस मार के इसको जो सील होती है इसकी ऐसे निकाला। देखो ये देखो भाई, पूरा फैला रखा है भाई। तो ये चीज़ यार पता नहीं, या तो सॉकर खुला होगा भाई, एक्सपेक्ट ही नहीं करा था भाई ये सब मेरे साथ हो सकूँ। और सेकंड वाले में चेक करते हैं, इसमें भी तो नहीं था शायद, मेरे में इसमें भी देख सकते हो भाई नहीं है, थोड़ा सा है ये देखो। लेकिन ये हो क्या सकता है भाई, इसमें तो पूरा फैल भी नहीं रहा, ये तो पैकिंग है पूरी। लेकिन उसके साथ भाई बहुत बुरा हाल हुआ है, जैसे मतलब कि स्क्रू ड्राइवर से भाई जैसे निकाला गया हो इसको, सील जो होती है ना ऑयल सील, तो हो सकता हुआ होगा भाई रिपेयर हुआ होगा। तो नई नई थी जब मैंने एक बार, मतलब मैं धुल रहा था भाई तभी मैंने देखा था इसको निकाल के भाई, तभी मैंने देखा था भाई, तभी से मुझे डाउट था। लेकिन मैंने सोचा क्या ही होगा, हुआ होगा कुछ। लेकिन भाई अब मुझे उस दिन ध्यान से मैंने देखा तो भाई ऐसा लगा जैसे पेचकस से मारा होगा किसी ने। और एक चीज़ और चेक करवा दो भाई, लेने से पहले भाई एक बार दिखा दे रहे हो आपको कि सोच के लेना भाई। आपको थोड़ी थोड़ी रस्टिंग दिख रही है भाई, अभी से ही रस्टिंग चालू हो गई, ये देखो हल्का हल्का किनारा किनारा पे, कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा ढंग से, बाकी भाई रस्टिंग तो अभी से ही होने लगी भाई इसकी। तो भाई यही सब है जो कि कंपनी वाले ऐसे ही चेप देते हैं। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरा पिछला वाला जो सॉकर ये राइट साइड का, ये भी लीकेज हो गया था जब मैं भाई ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 2 से 3 महीने हुए थे तब भी लीकेज हो गया था। हालांकि ये तो चेंज हो गया भाई, तब तो वारंटी में थी, चेंज हो गया भाई। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और क्या क्या देखनी चाहिए एक बार फटाफट से बता दे तो आपको। सबसे पहले भाई इसका जो सॉकर वगैरह अभी मैंने दिखाया, ये सब ज़रूर चेक करिए, क्योंकि भाई ये सब चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑयल सील हो गया और जैसे अभी मैंने दिखाया रस्टिंग वगैरह चेक कर लेना, मतलब बार बार भाई। ऐसा नहीं कि भाई आप नई बाइक ले रहे हो तो भाई एक्साइटेड में भाई सब चीज़ भूल जाओ, हाँ ठीक है वो चीज़ अलग है, लेकिन सारी चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है। और ये चीज़ ज़रूर चेक करना कि इंजन ऑयल मतलब कितना है भाई, मीडियम है मैक्सिमम है या है ही नहीं ये सब जरूर, नई बाइक है तो ऑयल तो ज़रूर रहेगा, लेकिन ये सब चेक करना ज़रूरी है। और जैसे चेचिस कभी कभी भाई कहीं से बैंड मतलब कि कहीं से डैमेज भी रहती है तो उसको भाई पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन वो चीज़ ज़रूर चेक करा करिए आप। तो रॉयल इनफील्ड वालों के क्या ही कहने भाई, हालांकि ये नया भी डाल सकते थे जो सॉकर है भाई, लेकिन उन्हें सर्विस करके दे देना था भाई हमें। तो ये सब चीज़ अभी क्या ही बोलूँगा और क्या ही बोल सकता हूँ भाई,
इतने दिन हो गए बाइक लिए, 2 साल हालांकि हो रहे हैं, तो ये सब ज़रूर चेक करिए भाई, वरना आप धोखा खा सकते हो बहुत तगड़ा। तो आई होप गाइज आप आज वाला ब्लॉग भाई अच्छा लगा होगा आपको और थोड़ा नॉलेजफुल लगा होगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दें एंड ब्लॉग को भाई शेयर ज़रूर करना भाई। तो शेयर करो भाई जिसके पास हंटर वगैरह है, और हंटर वाले भाई एक बार ज़रूर कमेंट करिए कि आपके में ये सब है या नहीं है, तो ये सब भाई ज़रूर कमेंट करिए भाई। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में भाई, तब तक लिए बाय बाय, और आज का ब्लॉग बस यहीं तक। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।